नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता रहे, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। सुजानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हो रही है हमीरपुर के सुजानपुर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्जे है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, बीजेपी की पहचान आज सुशासन से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी वही करती है वादे जो कर सकती है। आपको बता रहे हैं कि सुजानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया है और ऐसे में हमीरपुर के सुजानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्जे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में जनसभा हो रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। और दोबारा जयराम जी की सरकार बनाने का यहां हिमाचल की जनता ने फैसला कर लिया है। भाइयों बहनों, हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हिमाचल के खून में ही नया इतिहास बनाना है। इसलिए हिमाचल में इस बार भाजपा की सरकार की वापसी भी तय है और डबल इंजन की सरकार का तेज गति से दौड़ना भी तय है। साथियों, आपने इतने वर्षों के शासन में कांग्रेस ने जिस तरह हिमाचल के साथ विश्वासघात किया है, जो छल किया है, उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हिमाचल के ही लोग हैं। कांग्रेस ने हिमाचल को हर बुनियादी चीज के लिए तरसा दिया था, वहीं भाजपा है जिसने हिमाचल के हर घर घर को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास किया है। इस वजह से आज हिमाचल के लोग, पूरे देश के लोग भाजपा पर इतना विश्वास करते हैं। भाजपा पर देश का यह भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही देश के कुछ राज्यों में उपचुनाव के परिणाम आए हैं। आपने देखा होगा कि जहां कभी भाजपा को बहुत कमजोर माना जाता था, वहां भी लोगों ने कमल का फूल बढ़ चढ़ करके खिला दिया है। लेकिन कांग्रेस जहां बहुत ताकतवर होती थी, सरकार में होती थी या तो कभी मुख्य विपक्षी दल होती थी, वहां की कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। जो क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, वहां से कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। उड़ीसा जितना बड़ा राज्य, कांग्रेस गायब। तेलंगाना कांग्रेस साफ। यूपी बिहार ने तो बहुत पहले ही कांग्रेस को विदा कर दी। इसकी वजह है कांग्रेस द्वारा खुद को ईश्वर रूपी जनता जनार्दन से भी वो अपने आप को बड़े सहनसा मानते हैं, बड़े मानते हैं। उसी का ये नतीजा है कि जनता लगातार उनको सजा दे रही है। और आज हिमाचल के लोग भी कांग्रेस को भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कांग्रेस को लगता है कि हिमाचल हमेशा 5 साल उसके, 5 साल मेरे वाले फॉर्मूले पर ही चलेगा। 5 साल मैं मौज करूं, 5 साल तुम करो, फिर मैं 5 साल के बाद आ जाऊंगा, यही फॉर्मूला लेकर के चले। और इसलिए कांग्रेस के नेता हिमाचल की, हिमाचल के लोगों की कोई परवाह नहीं करते। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं करेंगे तो भी 5 साल के बाद तो लोग लाने ही वाले हैं, वापस आ ही जाएंगे।
आप मुझे बताइए साथियों, कांग्रेस यहां पिछले 5 साल से विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन इस दौरान दिल्ली से कांग्रेस के ऑल इंडिया लीडर लोकसभा चुनाव के प्रचार को छोड़ करके क्या कभी आपका हाल पूछने के लिए आए थे? क्या कभी आए थे? क्या कभी आपका हाल जानने के लिए आए थे? कभी कोई मुसीबत आई तो वो आपके पास आए थे? भाइयों बहनों, जरा 5 साल का हिसाब निकालिए, लोकसभा में, राज्यसभा में हिमाचल से जुड़े कोई विषय आए हो, हिमाचल के लिए आवाज उठाई हो किसी कांग्रेसी ने, ऐसी कोई घटना आपने सुनी है क्या? भाइयों बहनों, आपकी चिंता इनको 5 वर्षों तक इसलिए नहीं आई क्योंकि इनको भरोसा था कि हिमाचल तो 5 साल के बाद कुर्सी दे ही देता है, मेहनत करने की क्या जरूरत है, लोगों की परवाह करने की क्या जरूरत है, रिवाज है, काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो विपक्ष तक का काम जिम्मेवारी नहीं सिर्फ निभा सकते, विपक्ष के नाते आपके सवालों को लेकर के जो हलते भी नहीं है, वे सरकार में आने के बाद आपके लिए क्या करेंगे? भाइयों, ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं क्या? इसलिए अब हिमाचल के लोगों ने भी ठान लिया है कि अब तो कांग्रेस को हिमाचल से बिस्तरा बोरिया उठा करके निकालना ही पड़ेगा। और इसलिए भारे भाइयों बहनों, आज ये देवभूमि पुकार रही है, आज ये देवभूमि कह रही है भाजपा को फिर वापस लाएंगे, हर बूथ पर कमल खिलाएंगे। भाइयों और बहनों, आज आपसे बात करते हुए मैं क्षेत्र की वीर माताओं के योगदान को भी नमन करता हूं। यहां से तो हमारे उम्मीदवार खुद ही फौजी हैं, उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और मुझे अच्छा लगा कि मैं अभी आया हेलीकॉप्टर से यहां तो मुझे वीर जवानों के साथ नमस्ते करने का मौका मिल गया, और बहुत बड़ी तादाद में मेरे फौजी भाई बहनों को देख करके, क्योंकि मैं तो हर दिवाली उनके बीच मनाता हूं। भाइयों बहनों, ये वीर संतानों को जन्म देने वाली वीर माताओं का कर्ज तो शायद ही कोई चुका सकता है, लेकिन सेवा का अवसर जब जब मिला भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी मैं करगिल गया था दिवाली मनाने के लिए, तो मैं हैरान था, मैं और धूमल जी करगिल गए थे, करगिल लड़ाई के समय, उस समय की सारी फोटो की प्रदर्शनी लगाई थी वहां के लोगों ने, और वहां जो आज जो जवान है उनको भी वो पुरानी बातें याद थी कि धूमल जी और मोदी जी हमारे बीच में युद्ध के मैदान के समय आए थे। और मुझे याद है उस समय हमारा यहां का युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में हमारे जयराम जी थे, और हमारा विनोद ठाकुर वो महामंत्री था। युवा मोर्चा ने तब करगिल के शहीदों के जीवन को समर्पित स्मारिका भी निकाली थी। भाजपा की यही विशेषता है, भाजपा की ताकत चाहे कितनी भी रही हो, हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है। साथियों, हमीरपुर के हमारे इस क्षेत्र में तो फौजी परिवारों का बाहुल्य है, हमारे ये परिवार बहुत करीब से जानते हैं कि कांग्रेस का इतिहास किस तरह बड़ी बड़ी बातों और झूठी गारंटियों का रहा है। यही कांग्रेस है जिसके राज में हमारे फौजियों के पास पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे। यही कांग्रेस है जिसके राज में हमारे फौजियों के पास बर्फ में इस्तेमाल होने वाले अच्छे जूते तक नहीं थे। यही कांग्रेस है जिसके राज में
बॉर्डर पर सड़कें नहीं बनाई जाती थी, बॉर्डर पर बसे गांवों को मूल सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। यही कांग्रेस है जिसने फौजियों को वन रैंक वन पेंशन के नाम पर 40 साल तक लगातार धोखा दिया। 40 साल तक चुनाव के 15 पहले कोई भी वादा करने में वो झिझकते नहीं है, कुछ भी वादा कर दो, अभी भी कर रहे हैं, ढेर सारे वादे कर रहे हैं। आप याद करिए भाइयों बहनों, मैंने हिमाचल के फौजी परिवारों को वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो वन रैंक वन पेंशन हम लागू करके रहेंगे। और हमने ना सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया बल्कि इसका एरियर भी पूरे सम्मान के साथ दिया। आज आप जानकर हैरान रह जाओगे कि वन रैंक वन पेंशन की वजह से अब तक लगभग 60,000 करोड़ रुपया देश भर के हमारे फौजी परिवारों के खाते में गए हैं। और ये